गुड इवनिंग एवरी वन. आई एम रामकृष्णा एंड आई टीच इंग्लिश एट दिया. बेसिकली एट दिया आवर प्राइम एम इज टू कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर मेकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम ए वेरी ईजी, इंटरेस्टिंग एंड एन एक्सपीरियंस फिल्ड विथ फन. सो टूडे what we are going to do in today's class, we are not going to discuss any of the topics. Today we are just going to analyze a simple sentence, a sentence that we use in our day-to-day life. Almost on daily basis we use that sentence. So we will be just discussing that particular sentence, we will be analyzing that sentence, and we will see different topics of grammar that we will be covering while going through that particular sentence. So ek sentence ka hum log analysis karenge, theek hai, aur us analysis se hum log grammar ke alag alag topics ko cover karenge through the course of our discussion and analysis. So right now as we all know that every day har din कोई ना कोई बंदा हमसे हमारा नाम पूछता है और हम उसे अपना नाम बताते हैं. इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एवरी डे वी एनकाउंटर ए पर्सन हु इज कंप्लीटली न्यू टू अस, हुम वी डोंट नो, एंड व्हाट दे डू, दे आस्क आवर नेम. दे जस्ट आस्क आवर नेम, व्हाट इज योर नेम, एंड वी रिप्लाई टू दम, आई एम राम, आई एम जॉन, आई एम टॉम, व्हाट एवर our name may be, that's what we do. So every day, personal front, professional life, in academic life, bacche jab school jaate hain wahan pe, if they meet students from other classes who are not their classmate, then also they are being asked their name and they have to reply to this question. To ye ek aisa question hai jo ki har din hame pucha jata hai, what's your name, personal professional लेवल पे, या ऐसे भी कोई नॉर्मली हमारे रोज़मर्रे के ज़िंदगी में हमें कोई एनकाउंटर करता है तो पीपल आस्क अस दिस क्वेश्चन. सो यही सेंटेंस है, व्हाट इज़ योर नेम, जिसका हम डिस्कशन करेंगे और जिसका हम लोग एनालिसिस करते हुए वी विल सी व्हाट ऑल आर द ग्रामेटिकल एलिमेंट्स दैट इज देयर इन दैट सेंटेंस, और उसको कैसे हम समझें, जिससे कि हम लोग के लिए ये पूरा जो टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत वास्ट बना के रखे हुए हैं कि ग्रामर इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट एंड इज़ वेरी टफ टू स्कोर, वो नहीं करना है. वी हैव टू शार्पन आवर यू नो कंसेप्ट इन ग्रामर. और अगर कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा, इफ वी अंडरस्टैंड ग्रामर थॉरली, इफ वी decipher each and everything completely, then it scoring heavily and easily in a competitive exam will be you know just a cake walk for all of us. ये बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए high marks score करना, that too in a very quick span of time, क्योंकि competitive exam में limited time frame होता है और उस limited time frame में हमें सही answer देना पड़ता है. प्लस किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश के साथ साथ जब जनरल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ये सारे होते हैं. सो यू कैन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दो सेक्शंस. और इंग्लिश में अगर आपका कमांड होगा तो आप जल्दी जल्दी क्विकली उसको सही आंसर करते हुए आप आगे बढ़ जाओगे, पहला बात. दूसरा बात, इंग्लिश में भी देर आर टू सेक्शंस, वन इज ग्रामर सेक्शन, अदर इज आरसी सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ एंड यू हैव टू आंसर एज पर योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर कोई वर्ड है उसका मीनिंग चार पाँच होता है, हर एक वर्ड का चार पांच मीनिंग होता है, दैट्स वाई वी से सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड. तो उस वर्ड, उस पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में उस वर्ड का क्या मीनिंग है आपको बोलना होता है. तो ऑल इन ऑल आपको आरसी पढ़ना होता है, उसमें आपको टाइम डिवोट करना होता है. वो आप कब कर सकते हैं, व्हेन यू आर कंप्लीटली थोरो
विथ योर ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन के जो भी पोर्शन है अगर आप उसको क्विकली फटाफट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं देन योर वर्क गेट्स ईजियर इन अप्रोचिंग अदर सेक्शंस एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो डिवोट मोर टाइम फॉर अदर सेक्शंस लाइक आरसी इन इंग्लिश सेक्शन एंड इन मैथ्स रीजनिंग एंड अदर करेंट अफेयर सेक्शंस यू कैन अलॉट मोर टाइम. सो हम लोग वापस आते हैं अपने जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे. टूडे वी आर गोइंग टू एनालाइज ए सिंपल सेंटेंस दैट वी आर बींग आस्क्ड एवरी डे इन आवर डे टू डे लाइफ एंड दैट इज नथिंग बट वॉट इज योर नेम. सो What is your name? Now, we just have to look into this question. What is your name? What is the first thing that we see here? That this is a sentence which is asking question. And if a sentence is asking question, it means that it is an interrogative sentence. Interrogative sentences ask question. This is an interrogative sentence. As it is asking question. वर्ड इंटरोगेटिव जो है ये इन वर्ड इंटरोगेट से आया है. ठीक है, इंटरोगेट जो वर्ड होता है वी जनरली फाइंड दिस वर्ड व्हेन इफ वी वेरी यू नो कन्वीनियंटली वी कैन एसोसिएट दिस वर्ड विथ विजिलेंस एजेंसीज लाइक सीबीआई और ईडी. वी सी दैट सीबीआई इंटरोगेटेड दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पॉलिटिशियन or any person who is the main accused for hours. So they interrogate, they ask questions to the accused for hours. So this word basically comes from the word interrogate. So ye interrogative sentence hai, ye questions put kar raha hai yahan pe, questions ask kar raha hai. That is one thing. Now we will analyze this sentence right now. In this sentence we can see that what is the subject of this sentence and is your name, the second part is the predicate of this sentence. This three word is your name is the predicate of the sentence. In this sentence is nothing but verb. Is a verb which shows state or being of an action or thing. तो यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, what's your name, is generally be verb होता है या helping verb होता है या उसे we can say it is a primary auxiliary verb. But here in this sentence is the main verb because only is present. Is the only verb in this sentence, that's why is the main verb. If we say that Ram is playing, Ram is kicking the ball, so Ram is kicking mein kicking jo hai, that is the main verb, is the helping verb. If we say Ram is kicking the ball. If we say this sentence, यहाँ पे is जो है this is helping verb. What is it doing? It is helping the other verb kicking in the sentence. But in this sentence, what is your name? Here is the main verb in this sentence, but generally is, I am, are, was, were, ये सारे जो हैं these are helping verb or be verb which shows state or being of a particular action or event. तो यहाँ पे
ये हो गया इज वर्ब. नाउ योर नेम जो है, योर नेम इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. योर नेम इज नथिंग बट व्हाट इज, इफ वी से एनीथिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ व्हाट, हाँ अभी सेंटेंस में हम मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, व्हाट इज करके अगर हम रुक जाएं, व्हाट इज, डज इट मेक कंप्लीट सेंस? अगर हम कहें व्हाट इज तो ये सेंटेंस अधूरा हो जाता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता है. व्हाट इज डज इट मेक कंप्लीट सेंस. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एड अ कॉम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस. व्हाट इज योर नेम, योर नेम जो है दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नथिंग बट द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, एंड द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज व्हाट. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट व्हाट है और इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो योर नेम है. योर नेम इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, योर नेम इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ऑफ द वर्ड व्हाट इन दिस सेंटेंस. नेम नाउन है. अब हम योर नेम को भी अगर ब्रेक करते हैं, इफ यू फर्दर ब्रेक डाउन योर नेम, इफ यू फर्दर ब्रेक डाउन योर नेम, लेट से योर, सॉरी योर नेम ओवर हियर, योर इज एडजेक्टिव, नेम इज नाउन. नेम नाउन होता है, हमने पता है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग और वॉट एवर थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ इज अ नाउन, दैट इज वन थिंग. तो यहां पे व्हाट इज योर नेम जो वर्ड है, इसमें योर नेम में नेम इज ए नाउन एंड योर विच इज कमिंग बिफोर नाउन. योर एग्जैक्टली यहां पे कर क्या रहा है इस सेंटेंस में, योर इज डूइंग नथिंग बट योर इज क्वालिफाइंग द नाउन, योर इज क्वालिफाइंग द नाउन ओवर हियर. क्योंकि किसका नाम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो योर इज नथिंग बट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का भी ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, दिस इज द पोजेसिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. इसके बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग एडजेक्टिव्स इन डिटेल. वी विल डिस्कस अबाउट पोजेसिव एडजेक्टिव इन डिटेल व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट और डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव. सो राइट नाउ वी हैव टू स्टिक टू दिस, टू द एनालिसिस ऑफ दिस सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम. एंड From this we have deduced that this is an interrogative sentence which is asking questions over here. It is divided into two parts, subject and predicate. As we know, any sentence contains two parts, subject and predicate. Here what is subject? Predicate part consists of is your name, is the verb in this sentence, which is be verb. Is basically a be verb. It shows state or being of any particular event or action or thing. So here is the be verb, but in this sentence, as is generally be verb, but in this sentence, and also one more thing, is generally a helping verb, but in this sentence is not a helping verb, is the main verb in this sentence. Because when we closely analyze this sentence, we will find that this sentence consists of single verb, which is. This is the single verb in this sentence. इस sentence में एकमात्र verb is है, तो इस sentence का main verb क्या हो गया, is हो गया. So now secondly, your name, if we get into the other part of the predicate, what is your name? Your name जो है, your name is nothing but the complement of the subject. और इस sentence में subject है what. So what is the subject of this sentence and its complement is your name. So that is the proper way to understand this whole sentence. Secondly, if we closely notice this sentence, if we closely notice the sentence,
What is your name? I will write it down again. In this sentence, we notice that this is, and this sentence, the verb is of intransitive form. इस sentence में जो verb है वो intransitive है. This is intransitive verb. Intransitive verb को हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, वैसा क्रिया जिसमें object नहीं होता है. In this sentence, the verb doesn't require an object. ये बी वर्ब है, ये दिखा रहा है वॉट इज़ योर नेम. वॉट इज़ योर नेम इज़ नथिंग बट आस्किंग क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है, स्टेट बींग दिखा रहा है. ये नहीं दिखा रहा है किसी एक्शन को होता हुआ, नहीं दिखा रहा है. और जब एक्शन जनरली नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस वर्ब जो होता है इंट्रांजिटिव फॉर्म होता है. इस सेंटेंस में वर्ब इज ऑफ इंट्रांजिटिव फॉर्म बिकॉज वी कांट फाइंड एनी ऑब्जेक्ट ओवर हियर. वैसे वर्ब्स में बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में. वॉट इज़ योर नेम, हियर the complement is your name. क्योंकि if we stop after saying what is, अगर हम what is बोल के रुक जाते हैं, if we stop after that, this is an incomplete sentence. It doesn't have any meaning. It is a meaningless sentence. But if we write what is your name, so this your name is nothing but complement of the subject. So इसे subject complement कहते हैं. और ऐसा intransitive verb के cases में होता है, क्योंकि इस sentence में अगर हम closely देखें तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, वो चीज़ है. दूसरा है, इसी सेम सेंटेंस को, व्हाट इज योर नेम को वी कैन राइट इन अनदर वे. वी कैन राइट दिस इन अनदर वे. योर नेम इज what with a question mark. इस sentence को अगर हम closely analyze करें, as we have already discussed the previous sentence, उसी sentence को हम उल्टा करके लिख रहे हैं. Your name is what, इसमें same वही है, this is an intransitive verb. ये intransitive verb है is, and this intransitive, or your name is the subject part of the sentence. Is what is the predicate part of the sentence. ये predicate part हो गया, your name subject हो गया, name is noun, your is nothing but adjective because it is qualifying the word name noun, जो कि हम लोगों ने पहले discuss कर लिया है. Secondly, is nothing but an intransitive verb, but ये जो what है, this is the subject complement. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये योर नेम का कॉम्प्लीमेंट है, ये योर नेम जो है उसका सब कॉम्प्लीमेंट है. क्योंकि अगर हम योर नेम इज बोल के चुप हो जाए, योर नेम इज, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. इट इज नॉट ए सेंटेंस विच गिव्स अस फुल मीनिंग. ये एक सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, ये कंप्लीट सेंस नहीं मेक करेगा, वो चीज़ है. योर नेम इज़ अगर बोल के रुक जाए, लेकिन अब जब हम बोलते योर नेम इज़ वॉट, तुम्हारा नाम क्या है, योर नेम इज़ वॉट जब हम बोलते हैं, इसका मतलब वॉट जो है योर नेम का जो है, योर नेम जो कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसका ये कॉम्प्लीमेंट है. सो वॉट इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ओवर हियर. सो दिस इज द वे वी कैन एनालाइज दिस सिंपल सेंटेंस विच इज वॉट इज योर नेम ओवर हियर. नाउ अब व्हाट इज़ योर नेम जो है, इसके बारे में ये जब आपसे पूछा जाता है तो आप इसका रिप्लाई करते हो. यू रिप्लाई एस, फॉर एग्जाम्पल, यू रिप्लाई कम्स लाइक दिस, माई नेम इज, मेरा नाम रामकृष्ण है, आपको मैंने पहले भी कहा था, तो लेट्स से मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, माई नेम इज रामकृष्ण.
इससे होगा क्या कि यू विल बिकम फेमिलियर विथ माई नेम एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच अदर बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन ईजी फॉर आवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. बेसिकली ये है, इसको हम लोग ऐसे बैगेज नहीं ट्रीट करेंगे. ये पूरा होल एक्सरसाइज इज फॉर मेकिंग दिस एन ईजी एंड फन फील्ड एक्सपीरियंस. वो जरूरी है. इफ़ यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस होल प्रोसेस देन ओनली यू आर गोइंग टू स्कोर मोर एंड मोर नंबर ऑफ मार्क्स और दैट टू इन अ वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम. बहुत जल्दी जल्दी आपको फास्ट स्कोर आप कर सकते हो. सो वी विल गेट इन टू दैट. सो माई नेम इज रामकृष्णा. ये एक वे ऑफ रिप्लाई हुआ. एक और वे ऑफ रिप्लाई है जो कि आजकल प्रोफेशनल वे में लोग कहते हैं, माई नेम इज रामकृष्णा. बेसिकली हम लोग जब स्कूल में होते थे देन वी यूज टू रिप्लाई माई नेम इज रामकृष्णा. बट दिस डेज अगर मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो मैं बोलता हूँ आई एम रामकृष्णा. तो ये चलता है ज़्यादा, आई एम रामकृष्णा, आई एम रामकृष्णा. सो इन दिस वी विल नाउ एनालाइज बोथ दिस सेंटेंसेस. सो इसमें भी वही है. अब हम लोग बेसिकली ये जो दो सेंटेंस हम लोग एनालाइज करेंगे, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ गोइंग टू बी आवर रिविज़न. क्योंकि पहले सेंटेंस को जो हम लोगों ने एनालाइज किया उसके एनालिसिस से मोरोलेस क्वेश्चंस मोरोलेस आवर कंसेप्ट आर क्लियर राइट नाउ. सो वॉट वी विल डू, वी विल नाउ अगेन एनालाइज दिस. सो इट विल ए वेरी इंटरेस्टिंग यू नो एक्सपीरियंस. नाउ माई नेम इज रामकृष्णा. इफ आई हैव रिटन, दिस इज ऑल्सो एन इंट्रांसिटिव वर्ब. दिस इज द वर्ब इन द सेंटेंस. दिस इज इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब एज वेल एज दिस इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. माई नेम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इज रामकृष्णा इज द प्रिडिकेट पार्ट. दिस इज द predicate part. This is predicate. My name is subject. Is the intransitive verb, which is the main verb in the sentence. Basically be verb है, ये state being को दिखाता है action या event का. यहाँ पे मेरा नाम, what is your, my name is रामकृष्णा, मेरा नाम रामकृष्णा है, ये being दिखाता कि मैं रामकृष्णा हूँ. मेरा होना बताता है. काम का करना या होने को क्रिया कहते हैं. जब हम लोग बच्चे में पढ़ते थे क्रिया को, क्रिया को काम का करना या होना बोला जाता है. यहाँ पर माई नेम इज़ रामकृष्णा, मैं रामकृष्णा हूँ, ये बी वर्ब, हिंदी इंग्लिश में इसे बी वर्ब बोलते हैं. तो ये हमारा दिखाता है बीइंग को, हमारे स्टेट को, कि मैं रामकृष्णा हूँ. तो ये है, मेरा रामकृष्णा होना को बताता है ये क्रिया, विच इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. नाउ रामकृष्णा इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट माई नेम, जो कि जिसको कि हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं. रामकृष्णा इज नथिंग बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड माई नेम. क्योंकि माई नेम बोल के अगर हम रुक जाएंगे तो माई नेम इज इट इज नॉट गोइंग टू मेक कंप्लीट सेंस ओवर हियर. सो माई नेम इज रामकृष्णा देन ओनली दिस सेंटेंस इज गोइंग टू मेक कंप्लीट सेंस. बट टू मेक इट ए कंप्लीट सेंस वी हैव टू एड ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट विच इज रामकृष्णा. वो चीज है. सिमिलरली रामकृष्णा इज माई नेम इज सेंटेंस को फ्लिप करके भी हम लोग उल्टा करके भी एनालाइज करेंगे तो वी विल रीच टू सिमिलर कंक्लूजन. सेकेंडली नाउ वी आर गेटिंग गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड सेंटेंस. आई एम रामकृष्णा, आई एम रामकृष्णा. लेट्स से लेट मी राइट दिस एट द टॉप सो दैट इट विल बी विजिबल फॉर यू. नाउ I am Ramakrishna is the last sentence that we are going to discuss. I am Ram Krishna. If we look into this sentence, वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सेंटेंस का एनालिसिस में, वेन वी स्टार्ट एनालाइजिंग एनी सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड दैट सेंटेंस इन टू टू पार्ट्स विच इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट
Secondly, subject is always either a noun or a pronoun. Noun या pronoun ही subject होता है. But predicate basically includes verb and noun, adjective, adverb, कोई भी सारा चीज रख सकता है उसमें included हो सकता है. Anything can be included. Similarly, subject में भी included होता है. In most of the subjects, it is included. Adjective and all, these are included with the subject. But in this sentence, only noun, but majorly, most important of all, noun or pronoun, it is a must for the subject part. But in predicate part, verb is a must. Verb has to be there. ये जरूरी है. बाकी adjective, adverb, बाकी दूसरे parts of speech, they can be there in subject or the predicate part. That's not a problem. But the thumb rule is that when we analyze a sentence and break it down into subject, we will have to, you know, pinpoint the subject part of the sentence, which is either a noun or the pronoun. Subject part mein noun or pronoun hona jaruri hai, nahi to wo subject nahi ho sakta. Predicate mein verb hona jaruri hai. Verb is the main criteria when we analyze the sentence and divide it into predicate. तो वैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्रिडिकेट में ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मेजरली स्टार्ट्स विथ वर्ब. वर्ब होता ही होता है उसमें. सब्जेक्ट में वर्ब की आवश्यकता नहीं होती. वहाँ नाउन या प्रोनाउन होना ज़्यादा जरूरी है. दैट्स वन थिंग. सेकेंडली, इन दिस सेंटेंस नाउ वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड दिस सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट. नाउ आई एम रामकृष्णा, इफ आई से आई ओके. Now, I is nothing but the subject. I is nothing but personal pronoun of first person. I यहाँ पे first person का personal pronoun है. I first person singular. I is nothing but first person singular pronoun. इसको हम लोग जब pronoun का discussion करेंगे, then we will get to know of it in a better way. Am is nothing but वर्ब इन दिस सेंटेंस. एम जो है ये वर्ब है, ये बी वर्ब है, ये मेरा रामकृष्णा होना बताता है. आई एम रामकृष्णा, दिस इज बी वर्ब. एट द सेम टाइम दिस इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब. ये अकर्मक क्रिया है. इस क्रिया में, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. देर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस बिकॉज आफ्टर आई एम के बाद जो रामकृष्णा वर्ड है, इट इज नथिंग बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट इस सेंटेंस का आई है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है रामकृष्णा. रामकृष्णा इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विच इज द वर्ड आई इन दिस सेंटेंस. सो दिस इज एन इंट्रांजिटिव, दिस इज अ सेंटेंस विच इन्वॉल्व्स इंट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब इंट्रांजिटिव है. एम बी वर्ब है, मेरा रामकृष्णा होना बताता है. स्टेट और बींग. दूसरा आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑर्डर. ये चीज है. तो दिस वे वी कैन एनालाइज दिस सेंटेंस. एंड इफ वी आर एनालाइजिंग सेंटेंस इन दिस वे, देन लर्निंग ग्रामर विल बिकम वेरी इजी. एंड ऑल्सो इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द वेरी टफर टॉपिक्स दैट विल कम इन फ्यूचर. बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग. इफ वी हैव द बेसिस covered in this way, then we can definitely score higher marks in the exams that are going to come in future. So thank you very much. This was all for today. See you in the next session.